नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस मौसम में जो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। साथ ही मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड करी है, वो है समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि करी पत्ता हमारे खाने के लिए बहुत ही स्वाद होता है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि करी पत्ता सिर्फ हमारे खाने के लिए नहीं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत असरदार जड़ी बूटी साबित हुआ है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ गए हैं, रूखे हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो इसके लिए आप हेयर मास्क ज़रूर लगाएं करी पत्ता का। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा 1 कप बॉयल पानी, जो कि आपको बाद में करना है। इसमें आप करी पत्ते का पेस्ट ले लें, 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर डालें, 1 चम्मच आंवला पाउडर डालें। इनको आपस में आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आप पानी में बॉईल करें। बॉईल करने के बाद पानी को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप अपने बालों में इसका हेयर मास्क लगाएं। फ्रेंड, आपको यह हेयर मास्क 10 मिनट तक लगाना है, बट 10 मिनट से अगर आप पे टाइम नहीं है, बट अगर आप पे टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए लगाएं। और 1 घंटे बाद जब आप इसे सादा पानी के साथ धोएंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि आपको इसके रिज़ल्ट इतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल अपने बालों में लगाएं। सिंपल सी बात है, आप अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें और अपनी रूट्स में आप एलोवेरा जेल लगाएं। फ्रेंड, इससे भी आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इसका भी आपके बालों को ठीक करने में काफ़ी बड़ा रोल रहता है। बालों में कंघी कैसे करें? बालों में कंघी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बालों में कंघी हमें ऊपरी ऊपर तक नहीं करनी, बल्कि हमें ये अपनी स्कैल्प तक करनी है। ये हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बाल जल्दी लंबे होते हैं। बालों के साथ स्कैल्प को कंघी करना बेहद ज़रूरी है। बालों में कंघी करने से गांठें सुलझ जाती हैं, लेकिन आप कंघी को स्कैल्प के साथ करते हैं तो आपके बाल हेल्दी होते हैं। अगर आप भी हेल्दी बाल चाहती हैं तो दिन में कम से कम 2 बार कंघी ज़रूर करें, इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। फ्रेंड, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। अगर आपके भी बाल छोटी उम्र में सफ़ेद हो गए हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज का हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, खाना पीना ही ऐसा है, जो कि इस समस्या हमारे सामने आ ही जाती है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ सफ़ेद बालों के लिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा सरसों का तेल और बादाम का तेल। फ्रेंड, आप सरसों का तेल और बादाम का तेल अपने बालों के हिसाब से ले लें और उसके अंदर आप करी पत्ता मिलाएं। फ्रेंड, इसके तरह फ्रेश ही करी पत्ता मिलाएं। आप चाहें तो सूखे करी पत्ते को भी पाउडर मतलब पीस के पाउडर बना सकते हैं और इस ऑयल में मिलाकर अपने बालों में लगा सकते हैं। फ्रेंड, आज के जो मैंने आपको ये वीडियो बताई है, ये आपके बालों के लिए, हेयर फॉल के लिए, और अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको एक बार ज़रूर स्टार्ट करें, इसको यूज़ करना, वाकई ही आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं। आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।